तो ऑपरेशन बंदर कैसे कामयाब हुआ, उसी से जुड़ी ये जानकारी आपने देखी। और अब बात आतंकवादियों की हो रही है, कश्मीर की हो रही है, तो कश्मीर में अमन की भी बात होनी चाहिए। ये अमन कैसे आएगा? देखिए, इसी शांति के लिए कल आपको बता दें, अमित शाह पहली बार बतौर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। वो 26-27 जून को जम्मू कश्मीर में रहेंगे। इस दौरान अलगाववाद, आतंकवाद, अमरनाथ यात्रा और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठकें करेंगे। इसके अलावा जानना आपके लिए जरूरी है कि इस दौरान वो शहीद अरशद खान के घर भी जाएंगे, शहीद के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर दौरे पर देश के गृह मंत्री, घाटी में दुश्मनों का बुरा टाइम शुरू। अमित शाह बतौर गृह मंत्री पहली बार कल जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अमित शाह के कश्मीर दौरे से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आपको देशहित में बताएंगे, उसका मतलब भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह शहीद अरशद खान के घर जाएंगे, शहीद अरशद खान के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह 2 दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे। इस दौरान सबसे पहली बैठक अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर करेंगे। संभावना है कि अमित शाह अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन भी करें। इसके अलावा गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर बड़ी बैठक भी होगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अमित शाह के इस दौरे से 35A और 370 पर एक्शन की उम्मीद लगा रहे हैं। वो निर्णायक व्यक्ति हैं अमित शाह, और जो कहते हैं करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कश्मीर की जो स्थिति होनी चाहिए वो जो अन्य प्रांत हैं उनके बराबर होनी चाहिए, और 370 जाना चाहिए। POK कहा जाता है उसको वहाँ फौज भेज कर उसको अपने हिस्सा बनानी चाहिए। अमित शाह कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उनके जम्मू कश्मीर दौरे से कुछ बातें एकदम साफ हैं। गृहमंत्री का यह दौरा कश्मीर में अलगाववादियों को बेचैन करने वाला है। गृहमंत्री का यह दौरा कश्मीर में आतंकवादियों के लिए वार्निंग जैसा है, और इस दौरे पर पाकिस्तान की भी नजर होगी। गृहमंत्री के इस दौरे से आतंकिस्तान के भी होश उड़ने तय मानिए। दिल्ली से रविन्द्र कुमार और श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार काम चल रहा है। मोदी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है जिसका असर सीमा पार से लेकर घाटी तक हो रहा है। देखिए, हुआ क्या क्या है घाटी में, आप जानते हैं कि 18 अलगाववादियों, सेपरेटिस्ट जो है अलगाववादियों की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। टेरर फंडिंग में, ये भी आप जानते हैं कि 9 अलगाववादी नेता इस वक्त जेल में सड़ रहे हैं। अलगाववादियों को पाकिस्तान से फंडिंग लगभग बंद हो चुकी है। वहीं जो पत्थरबाज हैं उनको देने के लिए अब पैसा नहीं मिल पा रहा है। JKLF को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया जा चुका है, और इस साल 16 जून तक, समझिए आप, सुरक्षा बलों ने 113 आतंकवादियों को खत्म कर दिया। मतलब 6 महीने में 113 आतंकवादी ढेर। हालांकि इस दौरान 18 नागरिकों की यानी कि सिविलियंस की भी मौत हुई है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में, 2018 में सुरक्षा बलों ने 257 आतंकवादियों को मार गिराया था। कुल मिलाकर 3 सालों में, आप फिगर सुनिए, 733 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और उसी का यह असर है कि इतने ज्यादा ये महत्वपूर्ण फैसले और कदम उठाए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देश हित में बात मोदी 2.0 की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत की करेंगे। आपको बता दें, भगोड़े मेहुल चौकसी की बात अब करने जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी की चौकीदारी जो है वो रंग लाई है। चौकीदार चौकन्ना है क्योंकि भगोड़े चौकसी पर शिकंजा कस गया है। जी हाँ, एंटीगा सरकार मेहुल चौकसी की नागरिकता रद्द करने वाली है। नागरिकता रद्द करके मेहुल चौकसी को भारत ही भेजेगी एंटीगा सरकार। पीएम मोदी ने कहा था भगौड़ों का नंबर आएगा, भगौड़े मेहुल चौकसी का नंबर आ गया। सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी 2.0 में पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत आपको बताते हैं।
एंटीगा के अखबार एंटीगा ऑब्जर्वर में रिपोर्ट छपी है जिसमें एंटीगा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने कहा है कि भारत से 13,000 करोड़ का पीएनबी घोटाला करके एंटीगा भागकर आए मेहुल चौकसी की नागरिकता रद्द होगी और मेहुल चौकसी को वापस भारत भेजा जाएगा। हालांकि चौकसी को कानूनी विकल्प का पूरा मौका दिया जाएगा और अदालत में मामले में कार्यवाही पूरी होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैंने भी वो खबर अभी अभी अपने फोन में देखा जैसे आपने देखा, मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के मैं कुछ इस पर टिप्पणी नहीं देना चाहता। अब ये कितनी बड़ी खबर है, क्यों ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत है, देशहित में आपको समझाते हैं। देखिए, एंटीगा से मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण संभव नहीं था। संभव इसलिए नहीं था क्योंकि एंटीगा से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई है, लेकिन ये मोदी सरकार की कूटनीतिक कामयाबी है कि कई महीनों से एंटीगा सरकार के साथ मेहुल चौकसी पर बातचीत चलती रही और अब वहां के पीएम ने खुद मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की बात कह दी है। मेहुल चौकसी तो आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, उसके पहले जो ये हेलीकॉप्टर वाली डील वाले भी आ गए हैं, ऑगस्ट्रा वाले, तो सब एक एक करके टपक रहे हैं और ये देश के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। यानी मोदी हैं तो भगौड़ों की वापसी मुमकिन है, मोदी हैं तो माल्या नीरव पर भी एक्शन मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।